तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है और सीटेट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आज से ही दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 3/11/2023 से ही शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 23/11/2023, 20 दिन का आपको समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो एक बात और आपको बता दें, शुल्क का जो भुगतान होगा 23/11/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है। मतलब पेमेंट की जो डेट रहती है ना, कुछ फॉर्म में एक दिन ज्यादा की रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप सिर्फ पेपर वन देंगे। अगर आप सिर्फ पेपर टू देंगे या पेपर वन या दोनों देंगे तो 1,200। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपने सिर्फ पेपर वन के लिए फॉर्म डाला तो आपको 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेपर वन प्लस टू दोनों डाल दिया तो आपको 1,200 रुपये फायदा आपको दोनों में रहता है। लेकिन जो बच्चे बीएड के छात्र होंगे उनको पेपर वन में कुछ विशेष फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, उनको ज्यादा पैसा एक तरह से कहें तो देना पड़ेगा। और एक बात और, जो बच्चे SC ST कैटेगरी या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों फॉर्म के लिए 600 रुपये। तो यहाँ पर फीस निर्धारित कर दी गई है। एक बात और, कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, सर हम EWS से आते हैं हमको कितना देना पड़ेगा? तो आपके लिए भी 1,200 रुपये दोनों के लिए, एक पेपर के लिए 1,000, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए, अब आपके सामने एक और सवाल होगा कि मन में कि सर जो ये नोटिफिकेशन आया था BPSC की तरफ से, जहां पर 6 से लेके 8 तक की वैकेंसी आ रही है 31,982 पदों पर, क्या अब सीटेट अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सीटेट अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल होगा, ठीक है। तो पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में देखेंगे, अलग वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी, पहले ये समझ लीजिए कि किन किन बच्चों को सीटेट में ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलता है। देखिए सीटेट का फॉर्म वो सभी बच्चे भर सकते हैं जो बच्चे DLED या BEd के कोर्स में, ठीक है, अगर वो इस साल भी एडमिशन लिए हैं तो भी आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। ये सीटेट आपको फायदेमंद होता है। देखिए जब सीटेट का पेपर देने जाते हैं तो आपको सिर्फ अपना एक एडमिट कार्ड और उसके साथ जैसे आधार कार्ड हो गया ओरिजिनल, वो लेकर जाना होता है, या कोई भी ID प्रूफ, ठीक है। इसलिए आपको सीटेट का फॉर्म सभी बच्चे भर सकते हैं, शर्त ये है कि आपका DLED या BEd का कोर्स शुरू हो चुका होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय आपके सामने एक विकल्प आता है कि आप अपेयरिंग छात्र हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों बढ़िया बात है। आप देख सकते हैं बिहार में शिक्षकों के 1,10,000 पदों के लिए 3 तारीख से, मतलब आज ही की डेट से आवेदन शुरू हो रहा है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वेबसाइट हम बता देंगे। देखिए जब सीटेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो देखिए जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी जरा देख लेते हैं। आपको यहाँ पर अपना नाम, कैंडिडेट का नाम जो भी हो, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में अगर आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आपको आधार कार्ड देना है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आधार कार्ड ऐसे मैक्सिमम बच्चे डालते हैं तो ये बता दें आपको, नहीं तो काफी बच्चे सर कंफ्यूज होते हैं, सर आधार कार्ड का विकल्प नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दोस्त अपना एड्रेस, घर का जो भी है, कंट्री इंडिया सिलेक्ट होगी, स्टेट आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, जिला आप डालेंगे, पिन कोड। देखिए दोस्तों पेपर का मोड ऑफलाइन ही होना चाहिए इस बार भी, पूरी उम्मीद यही रखी गई है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट को लेकर, ठीक है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 3 नवंबर 2023, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो सीटेट जनवरी 2024 के नाम से है। और आपके मन में एक और सवाल होना चाहिए कि सर हमारा पेपर कब होगा? देखिए दोस्तों हमारा जो सीटेट का पेपर होगा 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो जो पेपर की डेट रखी गई है वो क्या है जरा इसको देखते हैं। जो सीटेट का पेपर होगा 21/1/2024, ठीक है। हमारा सीटेट का पेपर कब होगा? 21 जनवरी 2024 में हमारा सीटेट का एग्जाम कराया जाएगा। पेपर की डेट आ चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जो हमारा BPSC बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर की डेट आई है वो रखी गई 7 से लेकर 10 दिसंबर तक। अब देखिए BPSC को एक नोटिफिकेशन या तो जारी करें कि जो बच्चे 31 जनवरी 2024 तक अपना सीटेट या DLED का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उनको मौका दे, तो ठीक है, तब आपको सीटेट के हिसाब से मौका मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका पेपर अब 21 जनवरी को हो रहा है, अगर ये सीटेट का पेपर हमारा 21 दिसंबर को हो जाता, ठीक है, 2023 में, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, BPSC में आराम से आपको मौका मिल जाता। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन था शिक्षक भर्ती का, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8, ये मध्य की बात हो रही है, बाकी माध्यमिक में सुपर टेट लगेगा और उच्च माध्यमिक में भी सुपर टेट। तो जरा इस अपडेट को भी देखते हैं बीपीएससी की क्या अपडेट है। तो ये सीटेट का नोटिफिकेशन, और देखिए एक और अपडेट आई थी शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर, 10 से 15 हजार और रिजल्ट आ सकते हैं, कम नंबर से असफल अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, 10 हजार नहीं कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, ये बड़ी खबर है। 1,20,336 में से 95,419 शिक्षकों ने ही कल लिया नियुक्ति पत्र, शेष 24,887 भावी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग 5 दिन और करेगा इंतजार। मतलब दोस्तों 24,000 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपना नियुक्ति पत्र नहीं ले गए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये नियुक्ति पत्र, क्या आपके लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम आ सकता है? कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती है वो, लेकिन वो लिमिटेड बच्चों के लिए होंगी। तो ये मान के चलिएगा 24,000 में से 10,000 सीटें तो खाली जानी है, 10 से 15, और सबके साथ तो होगी नहीं विशेष कंडीशन। ठीक है, एक और अपडेट पटना से आई, गर्दनी बाग में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समायोजन दूसरा लिस्ट निकालने की मांग रखी जा रही है, दूसरा लिस्ट निकालकर समायोजन करने की मांग, मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, रिजल्ट के बाद हजारों सीटें खाली हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर है, बड़ी बड़ी खबर है। एक बात और आपको बता दें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। ये दोस्तों जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगर आप लोग को सीटेट में ऑनलाइन आवेदन करना है तो करना क्या पड़ेगा, dlitresult.com वेबसाइट आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो कैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसका जरा पूरा प्रोसेस देख लीजिए, आसान सा क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, dlitresult.com, dlitresult.com वेबसाइट सर्च करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड रिजल्ट 2023, इसे हमें ओपन करना है। देखिए जो बच्चे डीएलएड से वो इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2023-24, ठीक है ना। देखिए सीटेट 2023 या दिसंबर के नाम से बच्चों को उम्मीद थी कि फॉर्म आएगा, लेकिन जो इस बार का फॉर्म आ गया वो जनवरी के नाम से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीटेट की सारी जानकारी आपको मिल जानी है। ठीक है, A to Z जो भी जानकारी होगी हमारी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट 2024 लॉगिन या अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा पुराना रिजल्ट आया था सीटेट का सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड एप्लीकेशन नंबर, फॉरगेट पासवर्ड और क्या क्या रहती है जानकारियाँ यहाँ पर देखिए। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ये वेबसाइट आपकी ओपन होती है इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन नंबर आपको बाद में सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा ना अप्लाई फॉर्म सीटेट जनवरी 2024, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना, इंस्ट्रक्शन ये सब देखेंगे यहाँ पर टिक करिए आई हैव डाउनलोडेड ये करके, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का अपना नाम ये सब आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जब हो जाएगा आपका, जरा फिर से वेबसाइट ओपन करके दिखाते हैं सीटेट की। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट जो आपने किया था, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर गुम हो जाए तो यहाँ पर क्लिक करना है, पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ पर क्लिक करने से फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फॉर्म भरते समय जो डालेंगे यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम, स्पेलिंग में एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।